अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद। मुखातिब हूँ आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली वैन आई है, किया सोरेंटो 3500 सीसी फ्रंट व्हील ड्राइव 2021 मॉडल, पंजाब रजिस्टर्ड, 42,000 किलोमीटर चली हुई है। तो इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी किया करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। व्यूअर्स, किया सोरेंटो 3.5 सीसी V6 फ्रंट व्हील ड्राइव 2021 मॉडल, पंजाब रजिस्टर्ड और 41,000 समथिंग किलोमीटर, लाइक 42,000 किलोमीटर ये चली हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त 7 सीटर ये फैमिली वैन है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते थे, एक 2.4 सीसी आता है और एक इसमें 3.5 आता है। इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव भी और ऑल व्हील ड्राइव भी आता है। ये यूनिट मेरे पास 3.5 सीसी है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, ह्यूज फ्रंट है और आपको इसमें फ्रंट शो ग्रिल, ग्रैक्सी शो ग्रिल मिलती है क्रोम में। सेंटर में आपको किया की बैजिंग मिलती है। इसमें आपको फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, नीचे बम्पर के एंड पर भी आपको क्रोम ग्रिल मिलती है और इसमें आपको 3 LED लाइट्स मिलती हैं, DRL मिलते हैं। नीचे आपको इसके खूबसूरत क्रिस्टल में फोग लैम्प मिलते हैं और इसका फ्रंट बड़ा ही ह्यूज है। आपको मैं राइट से इसकी प्रोफाइल दिखाऊं तो पूरी ये फैमिली वैन है, 7 सीटर है। आपको इसमें टायर दिखाता हूं तो इसमें कंपनी फिटेड हैंकॉक के टायर्स आए हुए और वीवर इसमें टायर साइज 235/60R18 का इसका टायर साइज है और आपको अलॉय व्हील्स में ग्रे विद सिल्वर का टच मिलता है। किया की बैजिंग मिल जाती है और आप ये देख सकते हैं इसके फ्रंट से स्टार्ट होता है, चारों साइडों पर एयर प्रेस इसके कंटिन्यू करते हैं, पूरी जीप की लुक भी ये देते हैं। डोर के अंदर आपको नीचे सिल्वर में डोर क्रोम मोल्डिंग मिलती है, आपको इंडिकेटर्स मिरर मिलते हैं, रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं और डोर ग्लास के सराउंडिंग में आप देख सकते हैं आपको वेदर स्ट्रिप मिलती है जो फ्रंट से लेके एंड क्वार्टर ग्लास तक कंटिन्यू करती है। सोरेंटो के आपको ओरिजिनल एयर प्रेस मिलते हैं, रूफ रेल आपको सिल्वर क्रोम में मिलती है, डोर लैचेस आपको सिल्वर में मिलते हैं, आपको कीलेस एंट्री मिलती है, सेंसर लॉक अनलॉक के लिए की भी ऑप्शन मिलती है। और वीवर्स, इसमें बड़ा ज़बरदस्त फीचर ये जो आपको इसमें पैनोरामिक रूफ मिलता है, क्वार्टर ग्लास का साइज़ बड़ा ह्यूज है क्योंकि 7 सीटर है। जितनी ये एग्रेसिव और ह्यूज फ्रंट से है उतनी ही एग्रेसिव और ह्यूज इसका बैक है, जिसमें आपको बैक पे बैक स्पॉइलर लाइट, ऊपर एंटीना और आपको स्क्रीन में वाइपर मिलता है, बैक व्यू कैमरा इसमें ओरिजिनल। और भी बस आपको सेंटर में किया की बैजिंग मिलती है, इस साइड पर आपको सोरेंटो की बैजिंग आ जाती है और इस साइड पर आप देखें तो आपको V6 की बैजिंग मिलती है। LED टेल लाइट है, बैक बम्पर में भी आपको सेंसर्स मिलते हैं, नीचे आपको फिर बम्पर के नीचे इसकी स्पोर्टिकेट सिल्वर में मिलती है और बैक बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं। लेफ्ट की प्रोफाइल भी दिखाऊं तो टोटल ओरिजिनल, टोटली मेंटेन किया कंपनी से है, फर्स्ट ऑनर है, वेरी वेल मेंटेन और टोटल ओरिजिनल, टायरों की कंडीशन भी बहुत आला है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये SUV है, फैमिली वैन है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, लाइटों का डिस्प्ले पहले देख लेते हैं, लाइटें किस तरह की लगती हैं, फिर हम इसके रूम की तरफ आएंगे। आफ्टर स्टार्टिंग व्यूअर्स, आपको डिस्प्ले यूं दिखता है, LED लाइट, नीचे आपको फोग लैंप भी LED में मिलते हैं और इंडिकेटर्स इसके बड़े ज़बरदस्त आपको मिलते हैं फ्रंट पे भी, मिरर्स में भी। और आपको मैं टेल लाइट भी इसकी दिखाता चलूँ तो ये इसकी टेल लाइट्स हैं जो सिर्फ ये सोरेंटो में ही आती हैं, बड़ा ही खूबसूरत इनका डिज़ाइन है। आपको रूम की तरफ लेके चलता हूँ तो व्यूअर्स, आपको डोर पोशेस इसमें बेज और ब्लैक लेदर के साथ कंटिन्यू करती है और ये पोर्शन आपको वुडन ट्रिम का मिलता है, नीचे आपको क्रोम की बैजिंग मिलती है, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो सेंटर लॉकिंग और आपके मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं और डिगी पोस्ट डोर पोशेस में आपको कप होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट मिलता है, 4 डोर में आपको स्पीकर्स मिलते हैं और इस साइड पे आपको ट्वीटर्स मिल जाते हैं।
इस साइड पे आप आ जाए तो वीवर्स आपको पैनल पे स्टेंडो की बैचिंग मिलती है, इसमें आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट मिलती है, और सीटों का अगर आप कलर देखें तो आपको टू टोन में मिलता है, एयरबैग आपको सीटों में मिलते हैं, आपका सेंटर वाला पोर्शन वेंटिलेटेड सीट है, और उसके एंड पे आप देखें तो आपको ग्रे टच में ये सीट्स मिलती हैं। कलर गाड़ी के इंटीरियर का बहुत खूबसूरत है, फ्लोर मैटिंग ओरिजिनल सोरेंटो की। और वीवर्स आपको मैं इस साइड पे दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे आपको ऑटो ट्रंक मिलता है, ये बटन आपको आ जाता है जी, फ्यूल कप का और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, एसी वेंट फ्रंट पे आपको चार मिलते हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, और लेदर स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है वीवर्स, उसमें आपको यहाँ पे किया की बैजिंग मिलती है, एयरबैग मिल जाता है, बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है, आपको इसमें क्रूज कंट्रोल की भी ऑप्शन मिलती है, ब्लूटूथ ऑप्शन भी मिलती है, और इसका स्टीयरिंग बड़ा खूबसूरत है, लाइक थोड़ा एस क्लास से मिलता जुलता है। आपको मैं अगर ऊपर इसके दिखाऊं अपहोस्ट्री डैशबोर्ड, तो ब्लैक लेदर के अंदर आपको इसकी अपहोस्ट्री मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, क्लस्टर का आपको दिखाऊं तो क्लस्टर की सेटिंग्स भी बड़ी अच्छी हैं, आपको सारी सेटिंग्स यहाँ से अगर आप ऑपरेट करें तो आपको क्लस्टर के अंदर आती हैं। और मैं गलत आपको बता गया माइलेज, इसकी माइलेज क्लस्टर में जो है वो 45,194 किलोमीटर चली हुई है। और वीवर्स इसमें आपको ड्राइविंग मोड भी मिलते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अभी पहले आपको मैं ये पैनल दिखा दूँ, तो इसमें ओरिजिनल किया का पैनल आता है, इसमें आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, और पैनल के सराउंडिंग में आप देख सकते हैं आपको क्रोम का टच मिलता है, पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे आ जाता है, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, क्योंकि ये सेवन सीटर कार है तो आपको बैक पे भी एसी वेंट मिलते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये पैनल भी इसका बड़ा खूबसूरत है, शाइन प्लास्टिक में, जिसको आप ग्लॉसी प्लास्टिक भी ग्लॉसी शाइन में ये आपको पोर्शन मिलता है। आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट मिलता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, वायरलेस चार्जर आपको मिलता है इसमें, कार चार्जर मिलता है, ऑक्स की ऑप्शन मिलती है, आप इसको क्लोज करें तो एक हिडन बॉक्स हो जाता है। उसके बाद आपकी गियर नॉब यहाँ पे आती है, इसको भी आप ओपन करें तो दो कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलते हैं। और व्यूअर्स आपको मैं दिखाता चलूँ तो पार्किंग सेंसर से यहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऑटो हैंड ब्रेक आ जाती है, ऑटो होल्ड ब्रेक आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ड्राइविंग मोड, अभी ये कंफर्ट पे है तो इसको मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे आपके इको की ऑप्शन आ जाती है, स्पोर्ट मोड पे आप इसको चला सकते हैं, स्मार्ट मोड पे चला सकते हैं, कंफर्ट पे चला सकते हैं, इको पे आपकी पेट्रोल की एवरेज और अच्छी हो जाती है, और बड़ी ज़बरदस्त बहुत ही स्पेशियस है। आपको मैं इसका ग्लोव बॉक्स दिखाऊँ तो वीवर जी इसका ग्लोव बॉक्स है, कम्प्लीट सर्विस हिस्ट्री इस गाड़ी की है, और बहुत ही स्पेशियस ये कार है। बैक व्यू मिरर आपको ऑटो में है, और दोनों सनशेड में आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं विद लाइट, आपकी केबल लाइट जो है वो भी आपको एलईडी मिलती हैं, पैनोरामिक इसका रूफ है, और बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी ही स्पेशियस ये फैमिली वैन है। लॉन्ग पर अगर आपने ट्रैवल करना है तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर योर फैमिली। बैक डोर इसका बड़ा ह्यूज साइज़ है, उसमें आपको ये पोर्शन बेस का मिलता है, और ये आपको फिर वुडन मिल रहा है, नीचे आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलता है, कंपार्टमेंट मिल जाता है, सोरेंटो की बैजिंग पैनल पे आ जाती है, और ये व्यूअर्स बैक सीट भी आप देख सकते हैं, बड़ी ही लो माइलेज गाड़ी चली हुई है, 45,000 किलोमीटर, सेंटर में आपको ये ग्रे टच मिलता है, और आप इसकी बैक सीट भी दे सकते हैं। थ्री एड्रेस ये आप ओपन करें तो व्यूअर्स आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद टू कप होल्डर, लेग स्पेस बड़ी अच्छी है, सॉफ्ट पॉकेट मिलती हैं बैक सीट के पीछे, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे आपको कार चार्जर मिल जाता है, और ये आ जाते हैं जी बैक सीट के पैसेंजर के लिए, आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, इस सेट पे भी आपको सॉफ्ट पॉकेट मिलती है। आपको केबिन दिखाता चलो तो ये आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त साफ सुथरी वेल मेंटेन कार, आपको यहाँ पे भी एयरबैग मिलते हैं व्यूअर्स, ट्रंक इसको ओपन करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें आपको सेवन सीट कहाँ पे मिलती हैं, तो ये आपकी ट्रंक के अंदर आपकी ये सीट है, अगर आप इनको बेंड करना चाहें तो व्यूअर्स ये यूं बेंड हो जाती है, और आपके पास ट्रंक की स्पेस अच्छी खासी बन जाती है, और आपको बैक सीट के लिए यहाँ पे भी एसी वेंट मिलते हैं, ये आपका कंपार्टमेंट मिल जाता है, कप होल्डर मिलता है दोनों साइडों पे, आपको बैक पैसेंजर के जो सबसे एंड वाली रो में बैठेंगे उनके लिए लेग स्पेस भी अच्छी है, और बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि जी आपको पीछे गर्मी लग रही है। लास्ट रो सीट में भी आपको एयरबैग मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है ये पोर्शन मिल जाता है, और इसको अगर हम उठा लें तो नीचे आपको यहाँ पे इसकी टूल किट मिलती है। और व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूँ तो इसका स्पेयर व्हील आपको प्राडो की तरह जितनी एसयूवी आती है उनकी तरह आपको यहाँ पे नीचे मिलता है, तो पावर बूट है जी, इसको हम ऑफ कर लेते हैं,
क्वार्टर ग्लास की भी अगर आप साइज देखें तो बैग्स पे जो यहाँ पे पैसेंजर बैठना है उनके लिए ये बड़ा अच्छा साइज है। इस सीट को अगर आप यहाँ से भी जाना चाहें तो आप इस सीट को आगे कर सकते हैं और यहाँ से भी आपके फैमिली पर्सन जो है वो यहाँ से भी बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला ये फैमिली वैन है जो मेरे पास अवेलेबल है। जीपों से बहुत से लोग हैं, आपको किया वाले जो है दो ये जो है वो कोड करते हैं। आपको मैं इसका इंजन भी व्यूवर्स दिखाता चलूँ। अब किया में आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें 2.4 सीसी इंजन भी ले सकते हैं और 3500 मेरे सामने ये है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इतनी बॉडी में अगर जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 2.4 सीसी लेना पड़े। तो ये इसका इंजन है जी, V6 3500 सीसी। एटलीस्ट आप लॉन्ग पे अगर जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती कि जी आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा ज़ोर ले रही है। और रोड क्लियरेंस भी माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी है। तो ये जनाब मेरे पास अवेलेबल है जी, किया सोरेंटो 3500 सीसी 2021 मॉडल, पंजाब रजिस्टर्ड, 45,000 किलोमीटर चली हुई। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।